देश के सबसे चर्चित हत्याकांड में से एक जेसिका लाल मर्डर कांड के मुख्य अभियुक्त मनु शर्मा और सिद्धार्थ वशिष्ठ को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। मनु शर्मा को 17 साल की सजा काट लेने के बाद रिहा किया गया है। आमतौर पे उम्र कैद वाले जो अपराधी होते हैं उसे 20 साल तक की सजा होती है। यदि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से उसे यह ना कहा जाए कि तब तक जेल में रहेगा जब तक जीवित है, यदि यह व्याख्या नहीं की जाए तो अपराधी की जेल आयु 20 साल मानी जाती है। मनु शर्मा 17 साल उसे बिता चुका है और कानून ये कहता है कि यदि उम्र कैद का अपराधी 10 साल तक जेल में रहने के बाद उसका व्यवहार यदि अच्छा है तो जेल अथॉरिटी इस बात का रिपोर्ट दे सकता है और जेल के रिपोर्ट के आधार पे, उसके अच्छे व्यवहार के आधार पे उसे सरकार के आग्रह से, सरकार की स्वीकृति से उसे रिहा किया जा सकता है। मनु शर्मा को कई बार मनु शर्मा के आवेदन दिल्ली सरकार के पास आए और कमाल की बात यह है कि जेल अथॉरिटी ने भी उसके अच्छे व्यवहार के बारे में लिखा। ये माना कि वो एक भला मानस का व्यवहार है और कैदियों के लिए सत्कर्म के काम कर रहा है, वो नैतिक दायित्व निभा रहा है, उसके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कई बार कही गई। लेकिन मनु शर्मा को मीडिया ट्रायल कह सकते हैं के तहत जेल भेजा गया था, उसे सजा हुई थी। इस लिहाज से मीडिया का प्रेशर इस केस में इस कदर था कि न सरकार ने कभी हिम्मत जुटाई और न जेल प्रशासन ने उसके बारे में बार बार लिखा और न अदालत इस पर मुहर लगाने की हिम्मत जुटा पाई, क्योंकि जेसिका लाल मर्डर केस एक ऐसा केस जिसमें कांग्रेस के कद्दावर नेता विनोद शर्मा का बेटा मनु शर्मा एक स्मार्ट बॉय, एक बड़े घराने का बेटा, कह सकते हैं कि एक बिगड़ैल बेटा, जिसने सिर्फ इसलिए एक युवती की हत्या कर दी क्योंकि वो टैमरिन कोर्ट जो दक्षिण दिल्ली में एक रेस्टोरेंट है वहां एक पार्टी चल रही थी, शराब परोसा जा रहा था। जेसिका लाल की जिम्मेदारी शराब परोसने की थी लेकिन टाइम खत्म हो जाने के कारण, देर रात हो जाने के कारण रूल के मुताबिक उसने मना कर दिया कि हम शराब नहीं परोस सकते हैं। लेकिन बिगड़ैल बेटा, बड़े बाप का, पैसे वाले का, बड़ा बाप नहीं कहना चाहिए, पैसे वाले का बेटा, बिगड़ैल बेटा मनु शर्मा डीपी यादव के बेटे के साथ, बाहुबली नेता डीपी यादव के बेटे के साथ था। और इस मामले में ये माना जाता है कि जब उस जेसिका ने शराब परोसने से मना कर दिया तो जेसिका के ऊपर मनु शर्मा ने गोली चला दी पिस्टल से। ये केस, इसमें बवाल मचा, अदालत में मामला आया, कांग्रेस के पूर्व मंत्री का बेटा था मनु शर्मा, उसे बचाने की बहुत कोशिश की गई लेकिन बावजूद वो गिरफ्त में आया है। उसे गिरफ्तार किया गया चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ में उसने सरेंडर किया था 6 मई 1999 को और घटना जो है 29 अप्रैल 1999 की है। और उसने 6 मई 1999 को जब बहुत बवाल मचा मीडिया में तो वो सरेंडर किया। कमाल की बात देखिए कि दिल्ली में एक केस चला और दिल्ली की अदालतों में केस, इसकी खूब मीडिया रिपोर्टिंग हुई, चूंकि जेसिका लाल देखने में खूबसूरत थी तो अखबारों के लिए तस्वीर और टीवी के स्क्रीन पर बहुत अच्छी तस्वीर आती थी। माना यह जाता है कि एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी एक बड़ा कारण था, क्योंकि ऐसे हत्या तो बहुत होते हैं। लेकिन इस केस का दिलचस्प पहलू यह था कि पुलिस ने चार्जशीट में जो तैयार किए एक एक गवाह को, वो एक एक गवाह, वो श्यान मुंशी जो प्रत्यक्षदर्शी था और उसके बाद वो शिवदास जो प्रत्यक्षदर्शी था, तमाम लोग अदालत में पुलिस के दिए बयान से पलट गए। और आलम यह रहा कि यह लगा कि यह केस अब दिल्ली पुलिस हार जाएगी। कमाल की बात देखिए, इस केस की रेगुलर रिपोर्टिंग होती थी लेकिन जिस दिन इसका जजमेंट आया उस तारीख को, 21 फरवरी 2006 को निचली अदालत में जजमेंट आया और हम जैसे पत्रकार जो रेगुलर रिपोर्टिंग करते थे उन्हें इसकी जानकारी नहीं मिली कि 21 फरवरी को जजमेंट की तारीख रखी गई है, जबकि किसी भी अदालत में इस तरह की तारीख
पहले से रोस्टर में होता है और जो रिपोर्ट करने वाले जो रिपोर्टर होते हैं रेगुलर रिपोर्टर उन्हें सबको पता होता है। इस केस में फैसला आ गया 5 बजे शाम तक, 6 बजे शाम तक इसकी जानकारी नहीं मिली और धीरे धीरे फूटते हुए खबर कहीं से आग की तरफ फैली तो अगले दिन सुबह में जो टाइम्स ऑफ इंडिया आया उसमें जो हेडिंग थी उस हेडिंग ने बड़ा बवाल मचा दिया। उसका हेडिंग था नो वन किल्स जेसिका, जेसिका को किसी ने नहीं मारा। इस पे एक फिल्म भी आई और इस फिल्म ने एक बेहतरीन कमाई की। उस फिल्म में मीडिया की भूमिका को बताया गया और उसके बाद उसी रात, दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया में तो अगले दिन ये खबर आई लेकिन उसी रात तक टीवी चैनलों के ओवी वैन पटियाला हाउस कोर्ट में लग चुके थे लेकिन पूरा पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली का पटियाला हाउस कोर्ट में सन्नाटा था, ना एक भी वकील था ना एक भी जज थे, सबके सब जा चुके थे अपने घर क्योंकि 4 बजे 3 बजे तक ये फैसला आ चुका था, 4 बजे तक फैसला आ चुका था और तब तक रिपोर्टर अपने ऑफिस जा चुके थे, उन्हें इसकी बात की कोई जानकारी नहीं थी। दिलचस्प ये कि निचली अदालत से जो ही इस मामले में मनु शर्मा बड़ी हुआ ये लगा कि पैसे के बल पे इस केस को खरीद लिया गया, इंसाफ नहीं मिला और टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडिंग ने इतना भेदक हेडिंग था कि उसने हंगामा मचा दिया। मामला फिर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। कमाल की बात देखिए कि दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस, जो केस लगभग 7 साल तक निचली अदालत में चलता रहा, उस केस को दिल्ली हाई कोर्ट ने अगले 8 महीने में निपटा दिया और दिसंबर 18 को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में मनु शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई और डीपी यादव के बेटे को इसी केस में 4 साल की सजा सुनाई गई, विकास यादव। और इस विकास यादव की दिलचस्प कहानी यह है कि यह बिगरेल डीपी यादव का बेटा विकास यादव उस समय में जब मनु शर्मा के साथ इस मामले में वो गिरफ्त में आया, वो सब के सब ये लोग जमानत पे थे, इन्हें बहुत आसानी से जमानत मिल जाया करती थी पढ़ाई के नाम पे। इस तरह से विकास यादव जब जेसिका लाल मर्डर केस में जमानत पे था उसी समय उसने नीतीश कटारा हत्याकांड को भी अंजाम दिया, बवाल इस लिहाज से मचा और उसके बाद इस केस में सिर्फ डीपी यादव के बेटे को आरोप था कि इसने प्रवोक किया मनु शर्मा को। कई लोग ये मानते थे कि मनु शर्मा वैसा था नहीं, डीपी यादव के बेटे विकास यादव ने उसे प्रवोक किया कि मारो गोली और उसके बाद उसने गुस्से में आकर गोली चला दी। मनु शर्मा के बारे में माना जाता था कि वो एक सीधा साधा लड़का था लेकिन बड़े बापरे का अय्यासी जब का नशा जब छाता है तो क्या होता है कि पूरी जवानी मनु शर्मा की जेल में बीत गई। मनु शर्मा का वो 17 साल नहीं, मनु शर्मा का वो 20-21 साल कोई नहीं लौटा सकता। सजा तो उसने 17 साल काटी लेकिन 1999 से लेकर आज की तारीख तक कही उसकी पूरी जिंदगी जेल और जेल के शंका, जेल में जाने के भय से में ही कटती चली गई। ये 20-21 साल उसने अपनी पूरी जवानी की तबाह कर ली सिर्फ एक जोश में, एक पैक शराब के कारण। यह दिखाता है किस तरह से कि नशे में, पैसे और रुतबे के नशे में बिगरैल रईस जादे ने क्या क्या किया। इसके बाद, इस केस के बाद यह परंपरा दिल्ली में चली, इसकी कभी व्याख्या करूंगा कि एक से एक केस आए और इन तमाम केस में गवाहों और सबूतों को खत्म कर दिया गया लेकिन इस केस में मीडिया ट्रायल जब शुरू हुआ, मीडिया ने जब बवाल मचाया, सबूत और साक्ष्य आए तो आपको आश्चर्य लगेगा। दिल्ली का एक केस था प्रियदर्शनी मट्टू केस। प्रियदर्शनी लॉ की एक छात्रा थी और इस केस से पहले वो 1996 की घटना है, प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड में जो अपराधी था वो एक आईपीएस ऑफिसर का बिगरैल बेटा था, लॉ का स्टूडेंट था और प्रियदर्शनी से प्रेम करता था, एक तरफा प्रेम। प्रियदर्शनी जब से स्वीकार नहीं किया, उसने कई बार प्रियदर्शनी को धमकी दी, इस लिहाज से प्रियदर्शनी को एक सुरक्षा गार्ड भी दिल्ली पुलिस का एक सिपाही मिला हुआ था लेकिन जिस समय उसकी हत्या की गई, एकाएक अपने चाचा के यहाँ रह रही थी प्रियदर्शनी और मनुष्य ये संजय जो इस मामले का जो एक्यूज था डीयू का जो छात्र संतोष कुमार सिंह, संतोष उस समय में प्रियदर्शनी के घर पहुंचा और उसकी हत्या कर दी अपने हेलमेट से मार के, माना जाता है आरोप पुलिस की ये थी कि उसकी रेप के बाद उसकी हत्या की गई। दिलचस्प ये देखिए, इस मामले में भी अदालत ने संतोष सिंह को बरी कर दिया था लेकिन जब नो वन किल्स जेसिका का मामला आया और जब इस मामले में जेसिका लाल मर्डर केस का फैसला आ गया हाईकोर्ट से तो फिर से प्रियदर्शनी मट्टू केस भी खुला
और इस मामले में हाईकोर्ट ने संतोष सिंह को फांसी की सजा दी। मतलब जिस मामले में वो बड़ी हो चुका था उसी केस में हाईकोर्ट से उसे फांसी हो गई। ये इंटरेस्टिंग कहानी इसलिए है कि यदि मीडिया ने बवाल नहीं काटा होता तो ये अपराधी मौज कर रहे होते। दिलचस्प ये है कि संतोष सिंह को जब सजा हुई उस समय वो दिल्ली हाईकोर्ट में ही वकालत कर रहा था और उसे इस बात का पूरा भरोसा था कि जब लोअर कोर्ट में सजा नहीं मिली तो हाईकोर्ट में तो गवाह और साक्ष्य पेश ही नहीं होते, सिर्फ जिरह होती है, तो उनके पापा के वकील जो हैं मोटे पैसे वाले उसे बचा लेंगे। लेकिन संतोष को फांसी की सजा हो गई, वही संतोष जिसे निचली अदालत ने बड़ी कर दिया था। इसके बाद एक परंपरा सी चली और दिल्ली में कई ऐसे केस खुलने लगे जिसमें पावरफुल मनी पावर और मसल पावर के लोगों ने अपने बिगड़ैल बच्चों के अपराध को साफ करने की कोशिश की, लेकिन वो सलाखों के पीछे जाने से बच नहीं पाए। कई दिलचस्प कहानी है, सीरीज दर सीरीज उसे बताने की कोशिश करूंगा। और जहां तक केस खत्म हुआ कि मनु शर्मा की मैं बात कर रहा था, मनु शर्मा को 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा दी। इंटरेस्टिंग ये है कि माना जाता है कि मनु शर्मा के पिता ने टीवी चैनल इसीलिए लॉन्च किया, लोग इस मीडिया में इसी बात की चर्चा रही कि जिन संपादकों पत्रकारों ने उनके बेटे के लिए बवाल काटा उनको अपनी नौकरी पर रखें, और वो तमाम प्रभावशाली संपादकों को मनु शर्मा के पिता ने अपने यहाँ नौकरी पर रखा अपने टीवी चैनलों में। लेकिन कहते हैं ना किस्मत जब ऐसी हो तो आप अपने पावर से वक्त की जब मार पड़ती है तो कोई बचा नहीं पाता, ना कोई टीवी चैनल बचा पाया, ना पैसा बचा पाया, ना रुतबा बचा पाया। मनु शर्मा को पूरी जवानी जेल में काटनी पड़ी। हो सकता है उसके अंदर इंसानियत जगी हो, उसे अपराध बोध हुआ हो और उसने 10 साल तक एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश की, इसी की परिणति है कि उसे अदालत उसे तिहाड़ जेल ने एक अच्छे रिकॉर्ड के आधार पर सिफारिश की और ये सिफारिश कई सालों से चल रही थी। तो ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी रिहाई उनके पिता के प्रभाव से हुई, क्योंकि 18 लोगों की रिहाई हुई है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जेल जो सजा जो है वो 2026-2027 तक पूरी होनी थी। उस मामले में मनु शर्मा तो कमोबेश अपनी सजा भुगत चुका था। ये विश्लेषण यदि आपको पसंद आए तो ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सबका।